नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रियासना आपके साथ है पुष्पम प्रिया चौधरी। आज हम उनकी बात करने वाले हैं। लगातार पुष्पम प्रिया चौधरी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और आपको पता है कि विधानसभा चुनाव में वायरल नेता के नाम से प्रचलित हो गई, क्योंकि सोशल मीडिया पर इनकी पकड़ बहुत मजबूत हो गई थी। तो पुष्पम प्रिया चौधरी लगातार कई मुद्दों के साथ सामने आ रही हैं, पोस्ट करती हैं, चाहे विभाग के रिक्त पदों की बात हो जाए, चाहे बिहार में रोजगार की बात हो जाए, चाहे नीतीश कुमार के कुछ फरमानों की बात हो जाए। पुष्पम प्रिया चौधरी अब फिर से आ गई हैं एक नए पोस्ट के साथ, जिसमें उन्होंने शिक्षकों की बहाली, 90,000 से ज्यादा बहाली के बारे में कुछ बातें की है। क्या है, चलिए हम आपको वो पोस्ट पढ़कर सुनाते हैं, वो राइटअप पढ़कर सुनाते हैं। उन्होंने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, खरमास तो अब कब का खत्म हो गया, लेकिन हर नई तिथि और सूर्योदय के साथ 94,000 भावी शिक्षकों के परिवार आपकी ओर आस भरी नजरों से देखते हैं और सूर्यास्त होते ही निराश हो जाते हैं। आज आपका एक निर्णय उनके जीवन में बहार ला सकता है, जैसा कि आपके प्रिय और हम सब के श्रद्धेय कलाम साहब कहते थे कि शुभ काम करने का कोई दिन नहीं होता, हर तिथि शुभ है। आज के दिन बसंत पंचमी से पहले नियुक्ति करने का आदेश देकर इन हजारों युवाओं के 2021 के बसंत को शुभ यादगार बना दीजिए, हैशटैग कब होगा काउंसलिंग। दरअसल ये बात कर रही हैं शिक्षकों के बारे में। आपको बताएं, कई शिक्षक आपको गर्दनी बाग में प्रदर्शन करते हुए मिले थे, धरना देते हुए मिले थे और उन पर लाठी चार्ज भी करवाया गया। तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का साथ भी मिला। हालांकि पुष्पम प्रिया चौधरी ने जो लिखा है वो काफी इमोशनल तरीके से लिखा है, और जो भी हुआ, भले ही इन्हें वोट नहीं मिला और ये उतना उभर कर नहीं आ पाए विधानसभा चुनाव में, लेकिन जो मुद्दे ये लगातार उठाते रहती हैं वो वाकई सराहनीय है। अब फिर से उन्होंने शिक्षक के बारे में कहा है कि जिस तरीके से इतने शिक्षकों के परिवार के आस हैं, वो इस बसंत पंचमी के पहले आप पूरा कर दीजिए, क्योंकि जो हजारों फैमिलियाँ हैं वो बहुत आस लगाकर आपका वेट कर रही है। इसके अलावा बहुत सारे और भी मुद्दों पे ये बात करते आई हैं। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो फिलहाल बिहार का नाम बस इसलिए लिया जा रहा है कि बिहार में प्रदर्शन है, बिहार में धरना हो रहा है, बिहार में स्कैम हो रहा है, बिहार में धांधली हो रही है। इस नाम को अब चेंज करने की बहुत जरूरत है। जिस प्रकार नीतीश कुमार ने फिर से अपने ऊपर सवाल उठने वाले लोगों के लिए एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया है कि अगर धरना प्रदर्शन अगर चार्जशीट हो जाता है तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, अब इन सब चीजों पर देखते हुए सभी लोग सामने आ रहे हैं, सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार आगे स्टेप ले रहे हैं वो बिल्कुल भी बिहार के लिए ठीक नहीं है। खास तौर से युवाओं की बात करें, अगर शिक्षकों की ही बात कर लेते हैं तो 90% प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद जब काउंसलिंग की बारी आती है तो उसे रद्द कर दिया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि फिर से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करेंगे, फिर से एग्जाम लेंगे और जो भी सारे बातें कही जाती है, बस इसलिए कि उन्हें लगता है कि बहुत सारे फर्जी शिक्षक इसमें बहाल हो गए हैं। तो क्या आपकी व्यवस्था इतनी ठप थी कि आपको पता नहीं लग पाया पहले कि कितने फर्जी हैं और कितने रियल? फिर तो जो रियल वाले हैं उन्हें कितना नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, उनकी फीलिंग्स का क्या, उनके परिवार का क्या, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लाठीचार्ज करवा देते हैं, आप प्रदर्शनकारियों पर फरमान जारी कर देते हैं कि प्रदर्शन करेंगे तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, डरा रहे हैं आप। इन सभी बातों को हमने पहले भी आपको बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस किया है, ये सारी चीजें जो भी हो रही है बिहार में फिलहाल, लेकिन पुष्पम प्रिया चौधरी अब लगातार सामने आ रही हैं। उन्होंने जो ये पोस्ट किया है उससे कई लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए कि बिहार में क्या हो रहा है और बिहार में क्या होना चाहिए। उनका हालांकि यही कहना है कि बसंत पंचमी के पहले आप आदेश दे दीजिए, उनकी बहाली कर दीजिए, ताकि वो आपका शुक्रिया अदा कर सकें और उनके जीवन जो है वो हमेशा इस बसंत पंचमी को याद रखें। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।